उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सीमा पर बसने वाले भारत के प्रथम गांव माड़ा के निवासी पहली बार अपने पैतृक गांव में ही मतदान करेंगे। यह लोग बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए गांव के लोगों में खासा उत्साह है। आपको बता दें, नीति और माड़ा घाटी में भोटिया जनजाति के ग्रामीण गर्मियों में निवास करते हैं। यह लोग ठंड में बर्फबारी होने की वजह से निचले इलाकों में रहने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इन दिनों ग्रीष्म काल में नीति माड़ा घाटी के लोग अपने मूल गांव में रह रहे हैं। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने नीति माड़ा घाटी में 9 पोलिंग बूथ बनाए हैं। इसमें मलारी, कैलाशपुर, गमशाली, जेलम, कोशा, द्रोणागिरी, जुम्मा, नीति और माड़ा शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नीति घाटी के सबसे दूर स्थित पोलिंग बूथ नीति, गमशाली और मलारी का निरीक्षण कर चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पोलिंग बूथ पर मरम्मत, रंगरोगन के साथ पेयजल, शौचालय, बिजली, रैंप और मतदाताओं के लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं को 30 जून तक दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी नीति गांव के ग्रामीणों से भी मिले। उनको उपचुनाव की जानकारी देते हुए आने वाली 10 जुलाई को अपने पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको बता दें, नीति घाटी और माड़ा में 3,884 मतदाता हैं जो इस उपचुनाव में वोट डालेंगे, जिसमें 220 मतदाता माड़ा गांव में, 824 मलारी में, 599 धमशाली में, 836 कैलाशपुर में, 210 कोशा में, 243 झेलम में, 393 द्रोणागिरी में और 368 जुम्मा में वोट डालेंगे। नीति घाटी में सुरई थोटा से नीति तक 9 गांव हैं, जबकि माड़ा गांव माइग्रेशन वाला एक गांव है। राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा अवसर आया है जब चार धाम यात्रा के दौरान विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। इन भाटिया जनजाति के ग्रामीणों को अपने गांव में रहकर मतदान करने का अवसर पहली बार मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।